सो वेलकम स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सॉल्व डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस वाई इक्को टू जीरो डिफ्रेंशियल इक्वेशन है इसका हम क्या करेंगे जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ओके नो सॉल्यूशन इस इक्वेशन को हम इस तरह लिखेंगे सो डी क्यूब प्लस वन इंटू वाई इक्वल जीरो कैपिटल डी क्या है डी स्टैंड डी बाय डी एक्स है इधर ठीक है इसके बाद क्या करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे नो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो हमको इधर तीन रूट मिलेगा उसको कैसे फाइंड एड करना है अगर इसको इस इक्वेशन को हम एक ऐसा संख्या डालो तो ये इक्वेशन जीरो होना चाहिए सो क्या डालना है एम इज इक्वल टू माइनस वन डालना है इसमें अगर माइनस वन डालो तो सो माइनस वन क्यूब प्लस वन सो माइनस वन वन बिकम माइनस वन आएगा ए प्लस वन दैट इक्वल टू जीरो अगर माइनस वन डालो तो इधर जीरो आएगा हमको एक रूट मिल गया एम इज इक्वल टू माइनस वन मिल गया ठीक है इज रूट बाय इंस्पेक्शन द अदर रूट्स फाउंड बाय सिंथेटिक डिवीजन यूज करके फाइंड आउट करना है ठीक है नाउ बाय यूजिंग ए सिंथेटिक डिवीजन सिंथेटिक डिवीजन सो एम क्यू प्लस एम ए इसका एम क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है वन है एम स्क्र नहीं है आप फिर भी हम लेना है इसको एम स्क्यूर का कोएफिशिएंट जीरो आएगा बाद में यम आएगा एम का कोएफिशिएंट जीरो आएगा बाद में ए वन आएगा इस तरह ऑर्डर में लिखना है ओके ठीक है नेक्स्ट इसी रूट को इधर लेंगे पहला हम जीरो इसको ऐड करेंगे ए वन हो गया माइनस वन इन टू वन ए माइनस वन हो गया इसको ऐड करेंगे तो माइनस वन आएगा माइनस वन इन टू माइनस वन प्लस वन आएगा बाद ऐड करेंगे माइनस वन इन टू प्लस वन माइनस वन आएगा ए जीरो आ गया ओके वन माइनस वन इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे हम सो इक्वेशन इस तरह आएगा एम स्क्वेयर माइनस यम प्लस वन इक्वल टू जीरो इक्वेशन फॉर्म में आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया बाद में हम टू रूट्स फाइंड आउट करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता ही होगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है एक्स इज क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू है इधर ए क्या है इधर वन आएगा बी क्या है माइनस वन है सी है वन है।, है? है इस तरह लेना है देर फोर यूजिंग दिस फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम इज इक्वल टू माइनस बी ओके माइनस है माइनस बी बी क्या है माइनस वन ही है इधर प्लस हमारे स्क्वेयर ऑफ़ बी स्क्र सो बी स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए सी ओके डिवाइड बाई टू ए इस तरह आएगा एंड दिस इज इक्वल टू क्या है माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा वन प्लस माइनस ए बी वन आएगा वन एंड दिस इज माइनस फोर सो रूट माइनस थ्री आएगा डिवाइड बाई क्या है टू है ठीक है एंड दैट इज इक्वल टू वन प्लस माइनस रूट थ्री एंड रूट माइनस वन इधर रूट थ्री रूट माइनस वन को हम आई करके लिखते हैं डिवाइड बाई टू हो गया इधर टू रूट है एक प्लस है एक माइनस है ओके ना एम इज इक्वल टू वी एम इज टू क्या है माइनस वन है अगर सेकेंड एंड थर्ड रूट है वन प्लस रूट थ्री आई डिड बाई टू है हम इसमें जनरल सोल्यूशन निकालेंगे कॉम्पलीमेंट कॉम्प्लीमेंट फंक्शन यूज करके न देर फोर वाई इज इक्वल टू C1 वन ई रेस्ट टू फर्स्ट रूट क्या है ई रेस्ट टू माइनस एक्स है प्लस अल्पा क्या है इधर वन बाई टू है ई रेस्ट टू एक्स बाई टू इंटू सी टू कॉस बीटा ये बीटा पार्ट हो गया है अल्पा प्लस माइनस बीटा बीटा क्या है इधर सी टू कॉस ऑफ रूट थ्री बाई टू प्लस सी थ्री साइन ऑफ रूट थ्री बाई टू इस तरह इंटू एक्स इधर एक्स आएगा ओके दिस इज ए जनरल सॉल्यूशन अगर आपकी वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट्स भी दीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलेगा आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो मेरे रिट्यूब के प्लेस में जाइए और आई बैठे में भी कुछ लिंक्स है और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स लिंक है थैंक्स फॉर वॉच